बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन यानी कि राखी सावंत जो अपने बड़बोलेपन की वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं, हाल ही में राखी ने कहा कि वह चाहती हैं कि आलिया या विद्या बालन उनकी बायोपिक में उनका किरदार निभाए। क्या है पूरी खबर ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं JBT एंटरटेनमेंट। राखी सावंत को विवादों में रहना शुरू से पसंद है, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ। ड्रामा क्वीन हमेशा अपनी हरकतों और बड़बोलेपन की वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं। हाल ही में राखी ने अपनी बायोपिक के लिए आलिया भट्ट और विद्या बालन से संपर्क करने का दावा किया है। राखी की जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं है और ऐसे में उनकी बायोपिक कहां से शुरू हुई और कैसे खत्म हुई ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिल्म में आलिया या विद्या बालन का काम करना राखी के लिए सपने जैसा है। एयरपोर्ट पर जब राखी से पेप्स ने पूछा कि वह कहां जा रही हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी बायोपिक लॉन्च होने जा रही है। आगे उन्होंने कहा, मैं तो चाहती थी कि मैं खुद एक्ट करूं, लेकिन मेरी बायोपिक में आलिया या विद्या बालन बहुत अच्छा एक्ट करेंगी। ये दोनों ही बॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। बता दें कि अगर राखी सावंत की बायोपिक आती भी है तो इसमें उनकी लाइफ के स्ट्रगल को दिखाया जाएगा। राखी की इस बात को सुनकर फैंस का रिएक्शन भी सामने आने लगा। एक यूजर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, आलिया तेरी औकात के बाहर है, उसका नाम भी मत ले। वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, इसको हॉस्पिटल ले जाओ कोई। राखी को अक्सर अपनी हरकतों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, फिर भी वह रुकती नहीं है। अपनी बायोपिक के लिए आलिया और विद्या बालन के होने का दावा करने वाली राखी सावंत का ये वीडियो सभी का ध्यान खींच रहा है और नेटिजन्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। और कई लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है और उन्हें बकवास बोलना बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए JBT एंटरटेनमेंट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।